आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में आज तमाम राउडी शीटर्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के SHO चंद्रशेखर राव ने मीडिया से मुखातिब करते हुए इस ताल्लुक से मजीद तफसलात बताई। उन्होंने कहा आज राउडी शीटर्स की खास काउंसलिंग की गई, इसके अलावा उनके एक्टिविटीज़ के ताल्लुक से मालूम किया गया, अतराफ व अकनाफ रहने वाले लोगों से भी काउंसलिंग की गई और तमाम राउडी शीटर्स को हिदायत दी गई कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना रहे वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसलात ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एंड चैनल। नमस्ते, आज अपना गोलकुंडा PS में ऐसे पूरे राउडी शीटर्स रफली अराउंड 66 अबो हैं, सब लोगों को आज PS को बुला के काउंसलिंग करा है और उसके साथ उन लोगों का एंटीसिडेंट्स, उनका प्रीवियस हिस्ट्री और प्रेजेंटली क्या कर रहे हो लोग उसके पूछताछ कर दिया है और उनके इसके साथ में भी और सराउंडिंग्स और नाइबर्स सबसे भी इंक्वायरी करा है। उन लोगों का एक्टिविटीज़ कैसा है, उन्हों सही लाइफ लीड कर रहे या नहीं वो पूरा वेरीफाई भी कर दिया। थोड़े लोग टाइम पे घर पे नहीं रह रहे तो उन लोगों का सस्पिशियस है, तो उन लोगों को भी वार्निंग कर दिया है। सबसे अच्छा लाइफ लीड करने के लिए हम उसको एडवाइस भी दिया है और उसके साथ क्या करना क्या नहीं करना वो भी उसको बता दिया है। तो हर महीने में हम ऐसा हफ्ते में एक बार उन लोगों को इम्पोर्टेंट लोगों को बुला के काउंसलिंग भी कर रहे हैं और वार्निंग भी कर रहे हैं। 66 रोड शीटर गोलकुंडा PS में है, ये सब लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी पुराने राउडी शीट्स भी हैं, उसमें साथ नया लोग भी थोड़े इसमें ऐड हुआ है। गांजे के उसमें अपने पास कोई राउडी शीटर अरेस्ट नहीं हुआ है, पुराने केसेस हैं उन लोगों के ऊपर, थोड़े लोग मंगलाट लिमिट्स में और थोड़े लोग ये एक्साइज पुलिस वाले भी अरेस्ट किया है, तो वो लोग एक दो लोग अपने पास हैं। तो यहाँ लास्ट ईयर तो एक आदमी छोड़ के बाकी के किसका भी गांजे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब उनको बोला है अगर फर्दर इन्वॉल्वमेंट है तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे बल्कि बता दिया है। पूरा नाम बोलो। आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहना है, आपको क्या करना है? पहले अपने आप सही रहना है, ठीक है, उसके बाद में अपने मोहल्ला में, अपने कॉलोनी में, अपने कॉलोनी में कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुए इसको देखना है। कोई भी ऐसा दिखा फौरन फोन करके बताना है, पुलिस के सबके सामने आके ना गलत है सर ना सही सर ऐसा बोलना है, फोन में बताना है, आप दूर पे रहना है, सामने नहीं आना, समझ में आ रहे हैं? अपने गंजा बिकना है, जब बिके तो क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना, अगर कोई बाहर वाला है कोई बेचने आया तो पकड़ सकते हैं आप लोग,
पकड़ के फौरन अम्बी को हवाला करना है। आपका बस्ती का है, अपने मोहल्ले में रहने वाला कोई गांजा बिक रहा, गांजा बेच रहा, गांजा पी रहे, तो उनके लिए एक फोन में बता सकते हैं आप, क्योंकि पड़ोसी इतना रहता आपको, आप लोगों को लड़ जाएगा नहीं करना, क्योंकि किधर भी भाग जाने नहीं जा सकता, बाहर वाला है तो पकड़ना है। अपने एरिया में कोई गांजा बिकना नहीं, गांजा खरीदना नहीं, गांजे पीने वाला भी दिखना नहीं, समझ आ रहे हैं? कुछ चोरियों के बारे में भी कोई दिखा तो बाहर वाला की गाड़ियां लेके जा रहे हैं, गाड़ी चोरी कर रहे हैं, तो पकड़ना है, पकड़ के हवाला करना है, ठीक करेंगे? ठीक है साहब, करेंगे साहब। अब ऐसे ऐसे आपका ऐसे आपका नंबर लिख लो।